इसका पर टॉप टिका हुआ इसका चिकन जरा ऊपर दो इसकी चिकन है देखो शरीक सैदना मोहम्मद रसूल अम्माबाद खाल तलाफ़िलकुरानज़ीम वातिसूँ हबील्ला जमेला तफ़रफ़ ये अहकामत खुदावंदी हैं कि ए मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रहो और फ़िरक़े फ़िरक़े मत बन जाओ। चुनाचे हम इस चीज़ को पेश नज़र रख कर हमारा इदारे का मकसद मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करके सारे हिंदुस्तान के लिए अमन और आश्ती और भाईचारगी का पैगाम आम करने के लिए ये हमारी जमात 1924 से काम कर रही है और आज से एक माह बाद 1921 को हमारे पास इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है बैनुल अक़वामी मज़हबी कॉन्फ्रेंस जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को बुलाकर अमन मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को बुलाकर अमन और आश्ती और भाईचारगी के लिए जो आफाकी पैगाम है हर किताबों में जो आसमानी किताबें अपने आप को दावेदार हैं या मज़हब के ठेकेदार हैं वो लोग आके अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं और जो है हम लोग ये बैनुल अक़वामी मज़हबी कॉन्फ्रेंस हर साल मुनक़िद करते हैं और ख़ुसूसियत से मुसलमानों में हमारे अल्लामा इक़बाल के इस शेर के मुताबिक कि मनफियत एक है इस कौम का नुकसान भी एक एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक हरम पाक भी अल्लाह भी क़ुरान भी एक क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक फ़िरक़ाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या ज़माने में यही पनपने की यही बातें हैं। हम ये जो है ना हर मुसलमान जो कलमा गो है क़िबला रुख के नमाज़ पढ़ता अल्लाह के नाम का ज़िबा खाता जो हमें सलाम करता हम सलामती की दुआ लेते और देते हैं मुसलमानों को देखो तो सलाम करो बल्कि हुक्म है क्यों कि उनके अंदर जा ईमान है सलामती की दुआ बोले तो उनके दीन की सलामती उनके ईमान की उनकी जान की उनके माल की उनकी इफ़त की उनकी असमत की यह सलामती की दुआ हर मुसलमान को एक दूसरे को लेने देने का हुक्म है। तो आपस में हम जो है ना ये तफरीकाबाजी से मुतनफ़िर हज़रत क़िबला का हमारा पैगाम है और उसके फाउंडर हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हज़रत क़िबला हमारे मुर्शदी मौलाई जो है वो बोले मुसलमानों में तफरीकाबाजी ख़त्म करके इस्लाम जो अमन का ज़ामिन है और ये सलामती का जो आफाकी पैगाम है आकाशवाणी है ये जो है पैगाम इंसानों में आम करके लोगों को जो नफ़रतें हैं और जो जो है दीन के ताल्लुक से धर्म के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ उसको दूर करके हिंदुस्तान की हमारी जो ये परंपरा है उसमें अमन और आस्ती के पैगाम को इस तरह आम करोगे लोग शीर व शकर की तरह आपस में मिल जाए। रोज़ जो है हम हिंदुस्तान की सरजमी पर जो है हमारे जो बिरादरान वतन है उनसे रोज़ ये प्रार्थना करते हुए सुनते हैं कि असतो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतम गमाया ओम शांति 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 है क्या किस चीज़ का नाम है शांति शांति दरअसल अमन को कहते हैं सलामती को कहते हैं पीस को कहते हैं और इस्लाम को कहते हैं। लोग जो है एक नासमझी में जो है ये रोज़ ये जो है ना प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐ परमेश्वर परमात्मा तू हमें असत्य सत की तरफ ला तमस से ज्योतिर की तरफ ला अंधकार से उजाले की तरफ ला और हमें शांति दे शांति दे शांति दे वो पैगाम को वो आफाकी पैगाम को हम जो है लोगों में आम करने के लिए हम जो है चूँकि हम मुसलमान हैं हम ये चाहते हैं कि खुद हम जो है ना शांति के रक्षक हैं। मुसलमान किसको कहते हैं शांति के रक्षक को मुसलमान कहा जाता है इस्लाम के ज़ामिन को मुसलमान कहा जाता है इस्लाम के रक्षक को मुसलमान कहा जाता है कि खुद भी जो है सलामती में रहे और दुनिया को सलामती दे। साहब आज
और मकसद सिर्फ यही है कि जो है ना मुसलमान आपस में मुत्तहिद होकर ये जो आकाशवाणी आफाकी पैगाम है हर जो है हमारे बिरादरान वतन हम पहुँचाएँ, उसके लिए हमारी बैनुल-अक़वामी मज़हबी कॉन्फ्रेंस 19-20-21 को जनवरी के हर साल होती है, रजब की 7-8-9 को, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें यही पैगाम हम जो है आम करने के लिए हमारा ये इज्तिमा होता है जिसको इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अंतरजातीय धार्मिक सभा बैनुल-अक़वामी मज़हबी कॉन्फ्रेंस कहते हैं और उसका इनेकाद जो है ये अमल में आने वाला है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم। محترم عزیزان اسلام, یہ پریس کانفرنس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ जनवरी 19-20-21 को यहाँ पर हर साल की तरह हजरत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है और जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते हैं और संस्कृत में सर्वधर्म सम्मेलन। तो ये 1924 से यहाँ पर मनाया जाता है। तो 3 दिन ये प्रोग्राम होता है जिसमें बड़े बड़े पंडितों को, सिखों को, जैनियों को, हर मज़हब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है और इत्तेहाद की बात की जाती है कि किस तरह हिंदुस्तान को जन्नत नशान बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फुखरा नज़र आ रहे हैं आपको, ये लिबास में, गेरवे लिबास में, ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, LLB है, ये सब जो है ना अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर दिए दीन इस्लाम को गैरों तक पहुँचाने के लिए। हमारा मकसद मुसलमानों में एकता पैदा करना, इत्तेहाद पैदा करना और गैर मुस्लिमीन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना अहसन अंदाज में, उनकी ज़बान में, उनकी मजहबी किताबों से, कंपेरेटिव स्टडी के साथ। तो बहरहाल कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जैसा हमारा उर्स शरीफ या कॉन्फ्रेंस करीब आती है तो बाज़ लोग जिनको काम नहीं रहता वो अंजुमन के ख़िलाफ़ या इस खानखा के ख़िलाफ़ कुछ वीडियोज़ बना के वायरल कर रहे हैं कि ये लोग जो ना इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अल्लाह ताला को वादहु ला शरीक मानते हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानते हैं। हमारे हजरत क़िबला आलम फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबूवत का दावा करता है तो वो काफिर है, काज़िब है और दज्जाल है। ये बात हम जो है खुले दिल से बोल रहे हैं, ढकी छुपी बात नहीं है। आप देखिए हमारी मस्जिद है, देखिए कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कोई अलग कलमा नहीं है। यह हमारा ग्राउंड है, मैदान है, देखिए आप कलमे तैयबा लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम ये बताना चाह रहे हैं तमाम दुनिया के मुसलमानों को कि हम जो है ना मुसलमान हैं और हमारा काम का क्या है, मुसलमानों में वलवले तबलीग पैदा करना है। ये देखिए आप, ये हमारा हमारे अकायद और मसलक का जो पर्चा है ये आज से ऐलान नहीं कर रहे हम, ये 1929 से ऐलान हो रहा है अखबारात में कि हम जो है ना अल्लाह ताला को वादहु ला शरीक मानते हैं, हज़रत मोहम्मद सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानते हैं, आपके बाद मुद्दई नबूवत को काफिर, काज़िब और दज्जाल समझते हैं, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब क़िबला का दावा उलूहियत है, ना नबूवत है, ना मसीहत है, ना महदियत है, ना कभी किया गया और ना आइंदा कभी किया जाएगा। हम अहले सुन्नतुल जमात और हनफ़ी मज़हब हैं, हम हर फ़िरक़े के बुज़ुर्ग का दिल से एहतराम करते हैं, हम हुजूर सरवर आलम सलासम के पर ईमान लाने के बाद किसी और पर ईमान लाना मद्दे फजूल समझते हैं। हमारा काम गैर अकवाम में तबलीग इस्लाम है, हम मुसलमानों में किसी किस्म के दावे को जलालत और गुनाह अजीम समझते हैं। हमारा काम मुसलमानों में सिर्फ वलवले तबलीग पैदा करना है। ये बहावाला रोज़नामा रहबर दखन क्या है, ये 1929 ईस्वी में ये जो है ना शाय किया, जब से शाय किया जा रहा है। और देखिए उस ज़माने में हजरत साहब क़िबला आलम जब मौजूद थे उस ज़माने के बड़े बड़े जय्यद उल्मा और मशायखिन हैं, आप इनकी आरा सुनिए, आप इंशाल्लाह ये वीडियो के बाद आपको जो है ना इनकी राय जो भी है यहाँ पर आपको फ़ोटो बताई जाएंगी, उसमें देखिए आप बड़े बड़े, हालाँकि निज़ाम है ये हैदराबाद के निज़ाम, आप जो है ना फरमान जारी कर दिए कि हजरत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला मैरूस हैदराबाद में वास करते रहें, जहाँ भी आप
वास कर रहे तो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम होता था। तो आप हज़रत क़िबला आलम आशिक़ रसूल हैं, आप अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दिया। आप फरमाते हैं कि 7 साल उम्र थी मेरी के नमाजी हूँ मैं, खेलते वक्त मुसल्ला था कमर का पटका, उस वक्त मैं पढ़ता था वजू जोहर से मगरिब, नाम बच्चों ने रखा था घट वजू वाला मेरा। और आप फरमाते हैं जबकि जो है ना आप डॉक्टर थे उस ज़माने में, आई डॉक्टर, तो 20 रुपये को तोला सोना था उस ज़माने में 1924 में, तो आपकी फ़ीस 200 रुपये हुआ करती थी, तो आप अंदाज़ा लगाइए। तो आप फरमाते हैं डॉक्टरी ठाट को छोड़ा और फ़कीरी ले ली, हिकमत जिस्म को छोड़ हिकमत रूह को पकड़ा, छोड़ कर सारे हिसाबा तवक्कल पारा, काम के जाँ के असबाब खुदा को सौंपा, रंग लिया गहरे हरे रंग में अमामा मेरा, कुर्ता और सदरिया काहू का बगल में चमड़ा, बेद एक हाथ में कुरान पकड़ा, पहने नालैन को कंबल का बनाया चोगा, दिल की तब्दील ने जाहिर को भी बदला डाला, काम कैलाश था उससे बड़ा दिखता था। तो हज़रत क़िबला आलम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दिए और मंदिरों में मठों में चर्चों में जा कर के अल्हम्दुलिल्लाह 700 पंडित आपके हाथ में मुशर्रफ़ इस्लाम हुए, जिनके बड़े बड़े जो चेले थे 5 लाख लोग जो है ना कलमा पढ़े। तो आप इस तरह से जो है ना दीन की खिदमत कर रहे हैं, आप आशिक़ रसूल हैं। और ये हाँ हमारे जो हज़रत है, असल आपका नाम क्या है? सैयद सिद्दीक़ हुसैन है आप नजीबुत्तरफ़न हैं आप, सैयदुस्सादात अलहसनी वलहुसैनी हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन साहब क़िबला असल नाम है आपका। आपको इल्हामन दीनदार चंदबसवेश्वर अल्लाह की तरफ से पुकारा गया, उसकी बड़ी दास्तान है, फिर कभी आपको जो है ना समझाएंगे। जो है ना तमाम जो है ना मुबल्लिगीन हैं यहाँ पर, जो दीन की खिदमत करने वाले फ़ुकरा हैं उनकी जो है ना क़ियादत में ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लेंट की गई है और हम आज जो है DCP साहब से मुलाकात किए, वो भी एक्नॉलेजमेंट दिए ये, और रिटर्न में हम जो है ना ACP साहब के पास गए, वहाँ पर से एक्नॉलेजमेंट मिला हमारे को। तो हम चाह रहे कि भाई इतिहास से काम कीजिए, जो भी है कार्रवाई करेंगे, जो लोग भी इस तरह से जो है ना, क्योंकि हज़रत मौलाना सिद्दीक दीनदार साहब ऐसे अल्लाह वाले हैं, आपको कुफ्र के फतवा लगा रहे, आपके मानने वालों को काफिर बोल रहे खुल्लम खुल्ला। तो ये जो है ना नौजवान जो हज़रत को मानने वाले हैं उनके अंदर गैज़ व गज़ब आ रहा है, तो बात आम है ना भाई। तो इस तरह से हम बोले भाई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो आप जो है ना इनको रोकिए, द मैसेज मीडिया बोल के चैनल खोले और उसमें लगातार ये फ़िरके के खिलाफ वो फ़िरके के खिलाफ, ये खानखा 1924 से 100 साल हो गए, कभी कुफ्र का फतवा नहीं निकला यहाँ से, कभी हम जो है ना हज़रत फरमाएं हम हर फ़िरके के बानी का दिल से एहतराम करने वाले लोग हैं। तो इस तरह हज़रत फरमाते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाते हैं, अजीज़ो जानते हो क्या फजीलत है मोहम्मद की, अजीज़ो जानते हो क्या फजीलत है मोहम्मद की, खुदा की जो हकीकत है, हकीकत है मोहम्मद की, ज़मीन व आसमां और फरिश्तों की हकीकत क्या, बड़ी अर्श मुअल्ला से भी रिफत है मोहम्मद की। इस तरह आप आशिक रसूल हैं, अपनी ज़िंदगी जो है ना आज फुखरा फ़खीरी इख्तियार करके दीन इस्लाम को फैला रहे, कोई अलग कलमा नहीं है। आप आके देखिए, आप हमारी सोबत में बैठे, अगर ये फुखराओं को सताएंगे, हज़रत फरमाते हैं फ़कीरों को सताना पेश कीमा है तबाही का, बिखर जाता है शिराज़ा शहनशाहों की शाही का, बड़े बड़े शहनशाह आते ख़त्म हो गए फ़कीरों को सताने की वजह से। अगर ये उल्मा अगर नहीं सुने, मौलवियाँ जो कुफ्र के फतवे देते बैठे हुए, अगर ये नहीं सुनेंगे तो उनकी जो ना आखिरत तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाए यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाह अफवाजा, लोगों को फौज दर फौज दाखिल करो पर अल्लाह ताला, तुम यखरुजना लिद्दीनिल्लाह अफवाजा, इखराज कर देने निकाल के फेंक रहे, आपको कौन हकात दिया। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कफरा मुस्लिम फहुआ काफिर, जो किसी मुसलमान को काफिर कहता है तो फिर उसके ऊपर कुफ्र लौट के आता, वो काफिर रहा था। ला तो कफिर अहल क़िबला, जो क़िबले की ताज़ीम करता है उसको काफिर मत बोलो, बोले हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह मन सल्ला सलातना मन अकला जहबी जबियतना फजाकिल जालिकल मुस्लिम, जो हमारी तरह नमाज पढ़े, हमारी तरह